ये प्रेम था उनका जो मुझे इतना मतलब मेरा इंतज़ार किया पूरे दिन भूखे रहे, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता था कि मैं भी उन्हें प्रेम और ऐसा एहसास दिलाऊं कि पुलिस वाला एक अच्छे दोस्त की भांति काम करता है। ग्वालियर व्यापार मेले की कमान संभाल रहे बेहद SDOP संतोष पाटिल की सादगी और उनकी पुलिस कार्य शैली को लेकर हर कोई उनकी तारीफ करता हुआ नहीं थकता है। SDOP संतोष पाटिल का एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर है जिसकी लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। ऐसे में SDOP साहब का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें वो दुकानों से सामान उठाकर रखने वाले कर्मचारी और एक लोडिंग पिकअप चालक के साथ दाल रोटी बनाते और खाते हुए नजर आ रहे हैं। मेला में एक पिकअप ड्राइवर और दुकान में काम करने वाले मजदूर भाई ने मंदिर पे रोटी दाल बनाए थे, लेकिन कुछ एक घटना होने के कारण आ नहीं सका, तो रात को 12 बजे गए थे। फोन आया कि सर आप नहीं आओगे तो हम लोग खाना नहीं खाएंगे। हम लोग पहुंचे तो वो लोग खाना बना रहे थे, उन खिलाया, फिर हमने भी रोटी बनाकर उनको खिलाई। ये प्रेम था उनका जो मुझे इतना मतलब मेरा इंतजार किया पूरे दिन भूखे रहे, तो मेरा भी फर्ज बनता था कि मैं भी उन्हें प्रेम और ऐसा एहसास दिलाऊं कि पुलिस वाला एक अच्छे दोस्त की भांति काम करता है, एक अच्छे भाई की तरह काम करता है, एक मित्र की तरह साथ निभाता है। और मैंने भी जो बचपन से सीखी थी रोटियां बनाकर उन लोगों को खिलाया। दरअसल इस समय ग्वालियर व्यापार मेला चल रहा है और बेहद SDOP कार्यालय भी यहाँ पर मौजूद है। व्यापार मेले की सुरक्षा की जिम्मेदारी SDOP ने संभाल रखी है। ऐसे में SDOP कार्यालय के सामने बने मंदिर में दुकान से सामान उठाने वाले कर्मचारी और पिकअप चालक द्वारा दाल रोटी बनाई गई थी, जिसमें संतोष पाटिल को भी बुलाया गया था, लेकिन थाना क्षेत्र में डंपर लूट की घटना के कारण संतोष पाटिल निमंत्रण पर नहीं पहुंच पाए। ऐसे में रात 11 बजे SDOP साहब के पास कर्मचारी और चालक का फोन आया कि जब तक आप नहीं आएंगे हम खाना नहीं खाएंगे, जिस पर SDOP संतोष पाटिल रात 12 बजे मेला स्थित मंदिर पहुंचे और अपने हाथों से रोटी बनाकर स्वयं भी खाई और इंतजार में बैठे दुकान में काम करने वाले कर्मचारी और पिकअप चालकों को भी खिलाई।